Assalamualaikum, alaikum, and we are writing for TV and radio news. Now we have TV and radio news. Ko alag kyun kar we write for basically how we write for journalism. So, when we are talking about mainstream media writing, it is writing as we would write non fiction. And there are the sections that we have covered before, we have gone in extensive detail as to how to write in non fiction. So, print is very clear.

वाइड वी से देट क्योंकि ना सिर्फ आप मुझे देख रहे हैं आप सुन भी रहे मगर आप मेरे लव्स जो हैं वो देख नहीं रहे आप मेरे लव्स जो हैं वो सुन रहे हैं दे we वी राइट फॉर द एयर सो इट इज़ दैट डिफरेंट writing राइटिंग ऑन योर रीडिंग जब आप लिख रहे होते हैं उसका पढ़ना और बहुत सारे मीनिंग जो हैं, आप उस हिसाब से निकाल लेते हैं मगर जब आप कानों के लिए लिख रहे होते हैं तो हमें टोन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जो uh, उतार चढ़ाव है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है जो एक्सप्रेशन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है तो हम लफ्ज़ ऐसे लिखें लफ्ज़ ऐसे बताएं जो वाकई जो हो रहा है जो ख़बर है उसको सही तौर पे वाज तौर पर बता सके पहले भी हम कह चुके हैं दोबारा कहेंगे पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करनी किसी भी ख़बर में किसी भी न्यूज़ के लिए ख़ास तौर पर टी और रेडियो में पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करनी रिटर्न में फिर भी चल जाती है मगर रेडियो टीवी में पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं चल चलती है अगर पैसिव वॉइस आपको नहीं समझ आ रही प्लीज़ डू गो ऑनलाइन एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक्टिव वॉइस जो होती है वो फॉरन अभी इसी तरह मैं बात कर रही हूँ आई रन आई ईट आई कंक दैट इज़ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसी बात को करने के लिए आई हैव बीन कॉन्किंग आई विल बी ईटिंग आई हैव नोन टू हैव ईटन तो ये बड़ा एक पैसिव टोन हो जाता है आप एक घुमा फिरा के जो है वहाँ पहुँच रहे हैं एक तरीका है नाक पकड़ने का ऐसे और एक तरीका ऐसे तो हम कह रहे हैं कि प्लीज़ नाक इस तरह पकड़ें एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करें ताकि फ़ॉर बात समझ आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो है टेंस की आपने प्रेजेंट टेंस में बात करना है पास्ट टेंस में बात नहीं करनी फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी प्रेजेंट में इवन वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ट्राई एंड यूज़ प्रेजेंट टेंस इन इट एक्शन वर्ब्स ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस जब है तो एक्शन वर्ब्स होंगे बी केयरफुल विद नंबर्स बहुत बहुत ज़रूरी ये बात है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम नंबर्स दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है ये नहीं हो कि हमारा जी चाह रहा है कि जो चीज़ पचास फ़ीसद आ रही है उसको हम साठ फ़ीसद कर दें नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वैन यू आर कोटिंग नंबर्स पीपल टेक इट सीरियसली एक्चुअली द ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ दैट वेन यू आर राइट स्पेशली विद टी वी एंड रेडियो द क्रेडिबिलिटी इज़ लाइक दैट दैट बिलीवेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई यानी कि टी वी की बात लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं रेडियो की बात भी लोग सुनते हैं खबर को वो डिटेल में देखना चाहते हैं मगर जो फ़ौरन उनको ख़बर मिलती है वो मिलती है टेलीविजन से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है टी से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है रेडियो से अब जो है वो डिजिटल से भी आती है सो so, जब आप ख़बर दे रहे होते हैं ख़ासतौर पर जब आप नंबर्स की बात कर रहे होते हैं आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप नंबर्स सही दे रहे हैं कहानी को बेचें आपने सिर्फ कहानी सुनानी नहीं है अपनी कहानी को बेचना है इसका क्या मतलब है यानी कि लोग उस कहानी को ख़रीद लें ओन कर लें और कहें कि हाँ जी यही हुआ आपने कहा धमाका हुआ लोगों को पता चल जाए हाँ जी धमाका वाकई हुआ तो बात यह है कि जब हम ख़बर की बात करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर सेलिंग योर स्टोरी नॉट जस्ट टेलिंग योर स्टोरी एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टी वी न्यूज़ एंड रेडियो न्यूज़ यू हैव टू सेल इट टू दी ऑडियंस फॉर देम टू बिलीव इट बहुत सारे यहाँ पर चैनल्स हैं बहुत सारे रेडियो के आपके चैनल्स हैं अगर आपकी बात उनको पसंद नहीं आ रही या वो आपकी कहानी से मायूब नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगे चैनल स्विच कर देंगे दिल गो टू सम अदर चैनल और कहीं और की ख़बर सुन लेंगे तो आपने अपनी कहानी बेचनी है ऑडियंस को अपने पास रखना है व्यूअर को अपने पास रखना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको कहानी बेच रहे हैं सिर्फ सुना नहीं रहे क्लियर कंडेस्ड राइटिंग टू द पॉइंट बात करें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें करने की ज़रूरत नहीं है जो इन्फॉर्मेशन है वैसे दें छोटे तरीके से थोड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल करके फ़ौर बात करनी है आज अर्थ क्विक आया फाइव पॉइंट सेवन का और ये रेक्टोमीटर पर हमें पता चला क्योंकि मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें बताया तो ये कहानी आपकी ख़त्म हो गई आपने खबर दे दी आपने जो लिखा है उसको ख़ुद पढ़ के सुने क्या आप इस कहानी को ख़रीद रहे विल यू बिलीव वॉट यू हैव रिटर्न सो योर फर्स्ट ऑडियंस बिकम्स योर सेल्फ रीड इट आउट लाउड ऊँचा ऊँचा पढ़ें क्या ये कहानी मेरे लिए कन्विंसिंग है मज़े की है न्यूज़ वैल्यू है इसमें लोगों को पसंद आएगी सुनना चाहेंगे इस कहानी को ख़रीदेंगे या चैनल चेंज कर देंगे सो रीड इट आउट यूर सेल्फ बी स्पेसिफिक वेरी वेरी स्पेसिफ़िक यू हैव टू नो एग्जैक्टली वॉट यूर टॉकिंग अबाउट वॉट न्यूज़ यू आर गिविंग जो ख़बर लिख रहे हैं उसका जिस्ट बताइए तमहीद नहीं बांधें जिस्ट बताना है लॉजिकल ऑर्डर पहले क्या हुआ? क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या होने जा रहा है तो कहानी में ख़ास पर टाइम लाइन या लॉजिकल ऑर्डर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है तो वैन यू आर राइटिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट योर इंट्रोडक्शन इज़ द पॉइंट इन पोजिशन दैट यू वॉन्ट टू टेक योर मिडिल इज वेयर द स्टोरी हैज़ कम टू एंड वेयर इट विल बी मूविंग टू वर्ड्स राइट टू पिक्चर्स ये अगेन टेलीविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ साथ बोलते बोलते आप यहाँ पर स्क्रीन पे और कुछ भी देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है तो मुझे पिक्चर्स के साथ भी बात करनी है अगर वहाँ पे फील्ड में मेरा रिपोर्टर खड़ा हुआ है और जलती हुई बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर एक रिपोर्ट दे रहा है तो जब मैं आपको न्यूज़ लिख रही हूँ आपके लिए या एंकर के लिए मैंने वो ख़बर लिखी है मुझे इस तरह लिखना है कि वो साथ साथ वो तस्वीर चल रही है और वो भी एक्सप्लेन करनी है और वो भी बात हो रही होगी रेडियो में इमेजरी इस्तेमाल करना ज़रूरी है उसके पास वो तस्वीर नहीं होगी मगर उसका तस्वीर उसको एक्सप्लेन करनी है तो जब आप वो स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो वो आप पूरी एक तस्वीर खींचेंगे एक्सप्लेन करेंगे बिल्डिंग uh, कितनी बड़ी थी कितनी छोटी थी किस तरह की थी कहाँ लोकेटेड थी आग कितनी ज़्यादा थी कैसे लगी ये सारी डिटेल्स इस तरह हमने लिखनी है कि लोगों को उसकी तस्वीर जो है नज़र आना शुरू हो जाए लेट द स्पीकर स्पीक अगर किसी का कोटेशन है अगर कोई साउंड बाइट है तो उसको ख़ुद देने दें आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आप लिखे दें उसके लिए तो जब आप एक न्यूज़ uh, की uh, लिख रहे होते हैं वहाँ पे आप लाइन लिख देते हैं साउंड बाइट फ्रॉम द पर्सन तो साउंड बाइट का मतलब यह है कि जो एक्चुअल लोगों ने बोला है वो वहाँ पे लग जाता है वहाँ पर एयर हो जाता है सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मीन वी आर राइटिंग फॉर टी वी न्यूज़ एंड रेडियो न्यूज़ वी हैव टू कीप इन माइंड दैट द लैंग्वेज हैज़ टू बी सिंपल टू द पॉइंट सिंक्ट Um, it should incorporate the imagery, it should talk to the pictures, and it should allow the people that are there who are speaking to speak as well. I hope it, this has been helpful. I am sure if you go online, you will be able to find some more tricks and some formats that can help you with further writing for the TV news and radio news.